जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर? उल्टा तुम लोगों ने मेरा सीना हराम कर दिया। तो थालापति विजय की इस लियो मूवी को अगर मैं 2023 की मोस्ट अवेटेड मूवी कह दूं तो मैं गलत नहीं होऊंगा। और आज यही मोस्ट अवेटेड लियो मूवी की ट्रेलर रिलीज हो चुकी है, जिसमें देखो ये कोई नॉर्मल मूवी की ट्रेलर के जैसी नहीं होगी। इसकी मुझे पहले से उम्मीद थी क्योंकि ये लोके सर की पिक्चर है। ऊपर से मैं लोके सर की सिनेमेटोग्राफी का बहुत बड़ा फैन हूं और इसके ऊपर क्या फ्लैक्स मारा उन्होंने, शॉर्ट सब देखो ये सब कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं बस इमेज ही नहीं कर सकता कि कितना बवाल लगेगा इस सबको बड़ा स्क्रीन पे थिएटर के अंदर देखने में। और बवाल की बात चली रही है तो ये वाला जो सीन है भेड़िया के साथ फाइट करने वाला, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इंटरनेट पे इतना ज्यादा इस सीन का हाइप बन चुका है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना एपिक लोग बना सकते हैं इस चीज को। बट इस जगह मैंने एक चीज नोटिस की, गन की आवाज से पेड़ में जितने सारे पक्षी बैठे हुए हैं सब उड़ गए बट एक को छोड़ के। अब आप लोग को क्या लगता है ये पंछी इस पिक्चर के अंदर किस कैरेक्टर को सिंबलाइज करता है, नीचे कॉमेंट में बताना जरूर। फिर हम लोग ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं और हमारे पिक्चर के जो मेन मेन कैरेक्टर है उनके साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें सबसे पहले है लियो और पार्थी। अब इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है एंटोनी दास, हेरोल्ड दास और हमारे त्रिशा, जिनका नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है या फिर शायद मुझे ही नहीं पता। खैर उसके बाद इनसे मिलाया जाता है, जो मेरे ख्याल से नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, कोई पॉजिटिव कैरेक्टर ही होगा बट छोटा मोटा मेंटोर हो सकता है हमारे लियो का। उसके बाद ही अब ये कोई मिस्ट्री कैरेक्टर नहीं है मेरे हिसाब से, शायद थालापति विजय का ही यंग वर्जन वाला होगा। बट हाँ ये कुछ नया लग रहा है और ट्रेलर में जैसे कहा गया ये रियली में कोई साइको ही हो सकता है। उसके बाद इसको खूंखार भेड़िए के साथ भी सिंबलाइज किया गया और यार मुझे वो पसंद आया चीज। लेकिन फिर मेरा एक सवाल कि टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में हमें कॉफी सीट्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई मिलता है, बट इस ट्रेलर के अंदर हमें कॉफी का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाया जाता, तो क्या उसका मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं? और नहीं नहीं बात को समझे, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये तो डायरेक्टर के लिए एक शाबाशी है कि आप ट्रेलर के अंदर सब कुछ बता के भी कुछ नहीं बता रहे हो, ये तो एक अच्छी बात है। और खैर अब मुझे समझ में आ रहा है कि लियो की हर पोस्टर के अंदर कीप काम वाला कोट क्यों डाला गया था, जिसको समझने के लिए हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि क्या इस मूवी में थालापति विजय का डबल रोल है, जिसका ह्यूमर बहुत ज्यादा फैल रहा है और ट्रेलर के अंदर विजय भी एक बार कहता है कि मैं उसके जैसा देखता हूं तो मेरी क्या गलती। तो क्या सच में थालापति विजय का डबल रोल है इस मूवी के अंदर, जो कि मुझे दूर दूर तक कहीं भी नहीं लगता। तो इसे राउडी राठौर के साथ कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि देखो चलो एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि डबल रोल है और एक तरफ लियो है जो बहुत ज्यादा बैडस है और दुश्मनों की उसकी नाम से ही फट जाती है, और दूसरी तरफ हमारे पार्थी जो शांत स्वभाव में रहना पसंद करता है अपने बीबी और बेटी के साथ, तो फिर इसके पास इतनी ज्यादा फाइटिंग की एबिलिटी कैसे आ गई? अब दूसरी चीज, अगर ये लोग दोनों अलग अलग कैरेक्टर है तो ट्रेलर की 90% फोकस पार्थी के ऊपर क्यों है? इनफेक्ट हमें ये ट्रेलर पार्थी के प्रोस्पेक्टिव से ही दिखाया गया। तो अगर सोच के देखो, अगर दोनों ही अलग कैरेक्टर है तो जिसका नाम से ये पिक्चर है लियो, उसके बारे में हमें कितना जानने को मिले, 5-10%? तो हाँ मुझे नहीं लगता कि ये लोग दोनों अलग अलग कैरेक्टर है। एक ही कैरेक्टर है लियो, जो पहले आंध्र प्रदेश में रहता था और वो वहाँ बहुत ही बैडस था, बट फिर कुछ ना कुछ उसके लाइफ में ट्रेजिक हो जाता है, जिसके बाद वो अपना आइडेंटिटी चेंज करके, अपना नाम चेंज करके सब लोगों से छुप के फैमिली के साथ हिमाचल प्रदेश में रह रहा है, जैसा हमारे एंटोनी दास ने कहा, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में कोई भी केओस वगैरह नहीं चाहिए, वो एक शांत स्वभाव वाला लाइफ चाहता है। और दूसरा चीज ये हो सकता है कि लियो की याददाश्त जा चुकी है और वो अब पार्थी बन के जी रहा है, उसको पास्ट की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं क्यों कि हेरोल्ड दास के लिए भी मेरे दिल में प्यार जग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई हरामी मानुष होगा, ये भी दिल से अच्छा ही होगा और हमारी तरह लियो उर्फ थालापति विजय से प्यार ही करता होगा। अब देखो मूवी का एक्शन का बहुत ज्यादा झलक हमें दिख रहा है कि एक दो नहीं बहुत सारे फाइट सीक्वेंस होंगे, और मैं सच बता रहा हूँ मेरा जो एक्सपेक्टेशन था ना इस पिक्चर से, उसका बैरियर टूट के एक लेवल और ऊपर जा चुका है, क्योंकि ट्रेलर के आखिर में जब हमारा लियो किक मारता है तो पहले पंच के बाद फायर, फिर पंच के बाद फायर और आखिर में किक के साथ खत्म। यार ये जो चीज आपने दिखाया ना गजब सुपर आइडिया था ये दिखाने का। अब एक आखिरी चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि लोकेशर की लास्ट की जो पिक्चर थी मास्टर को छोड़ के, कई थी और विक्रम, उसके अंदर का फ्रेंकली कहूं तो हिंदी डब मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया था। मतलब मूवी के अंदर था, ठीक ठाक काम चल जा रहा था, बट उतना ज्यादा कुछ खास नहीं, जिसका सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि कहती कि हिंदी डब के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर कार्तिक का जो नाम बताया जाता है वो था शिवा, बट विक्रम मूवी के क्लाइमेक्स में हमें उसका ओरिजिनल नाम ही दिखाया जाता है दिल्ली। तो हाँ उन समय थोड़ा ऊपर नीचे था, जो मैं उम्मीद कर रहा था कि इस मूवी में वो लोग सॉल्व कर देंगे और मुझे लग रहा कि कर देंगे। अब विक्रम और कैथी की बात उठ ही चुकी है तो एलसीयू की भी बात कर ले, तो क्या ये मूवी एलसीयू का पार्ट होगा? तो देखो एक चीज मैंने डेफिनेटली नोटिस किया, विक्रम और लियो के ट्रेलर में एक सिमिलरिटी है, जिसमें अगर गौर करोगे तो विक्रम का जो ट्रेलर था उसमें भी शुरू के आधा हाफ स्टोरी को सेट करने में लगाया और बाकी के हाफ में बस फाइट, बस मार, बस खून करावा, और ठीक वैसा ही लियो के लिए भी है। ट्रेलर की शुरुआत में हमें स्टोरी की थोड़ी सेटअप देखने को मिली और फिर आखिर में बस मार, बस फाइट और बस खून खराबा। ऊपर से इसके अंदर जो कुछ कलर टोन है वो विक्रम
एकदम से डायरेक्ट सिमिलरिटी रखता है, बट फिर भी मैं अपने दिल में और आपके दिल में ऐसा कोई अंधा उम्मीद नहीं जगाना चाहता हूँ, क्योंकि स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड ने ही तो कहा है अगर उम्मीद नहीं करोगे तो तुम्हारा दिल टूटेगा ही नहीं। खैर ये सभी मेरे छोटे दिमाग की छोटी छोटी थियोरीज है, मैं कुछ भी कन्फर्म नहीं कह सकता कि एलसीयू का पार्ट हो सकता है या नहीं, बट हाँ एक चीज की कन्फर्मेशन मैं दे सकता हूँ कि अनिरुद्ध इस बार भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और भाई ये ट्रेलर में जो बैडेस वाला गाना हमें सुनने को मिला वो कहाँ है, वो तो अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ। खैर अगर फाइनली मेरा वर्डिक्ट देना पड़े इस ट्रेलर के ऊपर कि एज ए ट्रेलर ये कैसा है, तो यार सिंपल वर्ड में ये बवाल है। जितना आप इस मूवी से उम्मीद कर रहे थे ये ट्रेलर आपके मन में उससे भी कुछ बड़ा वाला एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देगा। और एक सेंटेंस में ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये एक बॉम्ब है जो अभी तक तैयार ही हो रहा है, वो फटेगा 19 अक्टूबर को। तो चाहे लियो के सामने भेड़िया आए या फिर टाइगर सामत उसी की आएगी, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो लास्ट में रेस्ट इन पीस कहा गया ये तो रब पर्सनल था। खैर 19 को लियो और 20 को गणपत, मैं तो दोनों ही देखूंगा। आप लोग मुझे बताने कि आप लोग दोनों में से किसको देखोगे, या फिर अगर दोनों ही देखोगे तो किसको सबसे पहले देखोगे। हमें जिस सच की तलाश है वो हमें सिर्फ लियो बता सकता है।